हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं। सर्वोच्च क्लास में फिर से आपका स्वागत है। माई सेल्फ गौरव गर्ग। ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में हमने यूकैरियोटिक सेल को स्टार्ट किया था। यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं? सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। आगे क्या है? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है बच्चों? वैसे तो सेल के अंदर सभी ऑर्गेनेल्स अपना फंक्शन अलग करते हैं, स्ट्रक्चर उनकी अलग होती है, लेकिन लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनका फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि उनका जो काम है वो आपस में जुड़ा हुआ है। फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। उन ऑर्गेनेल्स को मिला करके एक एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाया गया है। उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स आते हैं वो कौन कौन से हैं बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, ठीक है, लाइजोसोम एंड वैक्यूल। ये चार ऑर्गेनेल हैं जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। नीट में पूछा जा सकता है बच्चों, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनेल आते हैं या कौन कौन से ऑर्गेनेल नहीं आते। यहाँ हमें वो ऑर्गेनेल दिए हुए हैं जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते, यानी कि उनका फंक्शन है जो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करता, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, नीट इंपॉर्टेंट है नीट पर्पस से। ठीक है, आगे बात करते हैं। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का जो पहला ऑर्गेनेल है द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी बात करते हैं हम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? रेटिकुलम का क्या मतलब होता है बच्चों? रेटिकुलम का मतलब होता है जाल, नेटवर्क। ठीक है, जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो हमें वहां पर नेटवर्क दिखा, जाल दिखा, किसका? मेम्ब्रेन्स का, टाइनी ट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर, उनको नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये जैसे कि हमारे पास फिगर यहाँ पर दी हुई है ना, इस फिगर को अच्छे से देखिए। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फिगर दी हुई है। ये जो सारा फैला हुआ है, ये हमारा पोर्शन जो है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के दूसरी तरफ हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक जाल सा फैला हुआ दिख रहा है ना आपको, वो सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने साइटोप्लाज्म को दो कंपार्टमेंट्स में बांट दिया। एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अंदर का भाग, जिसको ल्यूमन कहा गया। क्या कहा गया? ल्यूमन। ठीक है, और दूसरा भाग जो है वो है साइटोप्लाज्म, यानी कि बाहर का भाग। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है, नेट से याद रखिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बच्चों दो टाइप के हैं, कौन कौन से? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम आरईआर और एससीआर के नाम से भी जानते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें मेन अंतर किस चीज का है बच्चों? मेन डिफरेंस किस चीज का है? राइबोसोम्स का। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स कहाँ दिखाई दे रहे हैं हमें? जो ये व्हाइट डॉट्स दिखाई गई हैं, ये व्हाइट डॉट्स जो हैं दाने दाने से, ये राइबोसोम्स हैं। जब ये राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लग जाते हैं, जो उनका सरफेस है वो रफ हो जाता है। जैसे भी हम कहीं पे कोई प्लेन एरिया है और उस पे मिट्टी डाल दी जाती है, या मिट्टी के दाने या किसी भी चीज के दाने डाल दिए जाते हैं, तो वो एरिया रफ हो जाता है। उसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जब ये राइबोसोम रूपी दाने डाल दिए जाते हैं तो क्या होता है? वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। ठीक है, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होता है, दाने की फॉर्म में होता है, राइबोसोम्स उसके साथ चिपक जाता है। ठीक है, यहां हमें दिखाया गया है, ये पोर्शन में देखिए, ये पोर्शन जो है इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बच्चों, ध्यान रखना है। ठीक है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतर मेन क्या है? राइबोसोम्स का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं। अरे यार, ये तो सारा ही इंपॉर्टेंट लग रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमने सब अच्छे से आपको हाईलाइट करके दिया हुआ है, ध्यान रखना है, नीट के टाइम पे बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है इन टॉपिक्स को, इन लाइंस को। ठीक है, आगे बात करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है?
इनका मेन जो फंक्शन होता है बच्चों प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, जहां पर भी राइबोसोम प्रेजेंट है उसका मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है, ठीक है, ये बात आप नोट कर लीजिए। राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था तब भी हमने ये बात पढ़ी थी, ठीक है। राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच है, तो इसका मेन फंक्शन क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ, राइबोसोम है तो प्रोटीन सिंथेसिस है, ठीक है। एक लाइन ये भी इंपॉर्टेंट है, नीट में काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है, ध्यान रखना है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसके साथ कंटिन्यूअस है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। थोड़ा सा एक बार फिगर पे हम दोबारा जाते हैं, फिगर में ये पॉइंट आप देखिए, ये चीज यहां पर देखिए, ये हमारा सारा ही न्यूक्लियस है, ठीक है, ये समझ गए आप, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये दो मेम्ब्रेन है, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आप देखिए कहां से स्टार्ट है, ये बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है इससे स्टार्ट है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कहां से निकलता है, तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ कहां से जुड़ा हुआ होता है या कहां से कंटिन्यूअस है, ये ध्यान रखिएगा, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, वापिस आते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है लिपिड को सिंथेसाइज करना, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों में ध्यान रखिए। स्मूथ भी क्या होता है, स्मूथ मतलब प्लेन चिकना, और लिपिड्स भी जो है वो चिकनाई वाली चीजें ही कहते हैं, ठीक है, तो ये दोनों चीजों को आपस में रिलेट कर लीजिए, आपको इजी रहेगा याद करना, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, लिपिड सिंथेसाइज करते हैं। स्टीरोइड हॉर्मोन्स जो होते हैं, जो स्टीरोइड हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं सेल्स, उसमें मोस्टली एससीआर ज्यादा अमाउंट में मिलता है, ठीक है। एग्जामिनर यहां से भी थोड़ा सा रिलेट करके आपको क्या रिलेट कर सकता है, हॉर्मोन्स वाला चैप्टर जो है आपका वो यहाँ पर रिलेट कर सकता है। यहाँ पर हमें ऑप्शंस में ये पूछा जा सकता है कि ये सेल्स के अंदर जो हॉर्मोन्स हैं, जो हॉर्मोन रिलीजिंग हॉर्मोन को रिलीज करती हैं, ये सेल्स के अंदर एससीआर ज्यादा है या आरईआर ज्यादा है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा है या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा है। तो हमें वहां पे क्या ध्यान रखना है कि ये जो सेल्स हैं वो कौन से हार्मोन रिलीज करती हैं, क्या वो अमीनो एसिड्स वाले करती हैं या स्टीरोइड वाले करती हैं, लिपिड वाले करती हैं। अगर वो लिपिड वाली ज्यादा करती हैं तो उन सेल्स के अंदर क्या होगा, ज्यादा एससीआर ज्यादा होगा, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा। अगर वो जो सेल्स हैं प्रोटीन वाले हॉर्मोन्स रिलीज कर रही हैं तो उसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं बच्चों, आपस में रिलेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको समझ में आ गया है, ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडीज भी कह सकते हैं, गोल्जी अपरेटस भी कह सकते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज में, ठीक है। गोल्जी अपरेटस, सबसे पहले तो इनका साइंटिस्ट का नाम जो है वो याद रखना है, कैमिलो गोल्जी, ठीक है, जिनके नाम पर इसको नाम दिया गया, इस ऑर्गेनेल को गोल्जी बॉडीज, ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये किस टाइप से होते हैं, फ्लैट डिस्क शेप सैक और सिस्टर्नी ऑफ साइज दिया हुआ है 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने बोर्ड एग्जाम में भी आपको थोड़ा अच्छे से लिख सकेंगे, अच्छा इंप्रेशन रहेगा इसका, ठीक है। गोल्जी बॉडीज के अंदर क्या होता है बच्चों, ये चीज ध्यान रखनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। गोल्जी बॉडीज के अंदर दो फेसेस होते हैं, दो फेसेस कौन से होते हैं, एक होता है हमारा कॉन्वेक्स टाइप का सिस फेस, जिसको फॉर्मिंग फेस भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फॉर्मिंग फेस, ठीक है, और दूसरा जो फेस होता है, ठीक है, दूसरा फेस होता है कॉनकेव, कॉनकेव फेस, जिसको ट्रांस फेस या क्या कहा गया, मैच्योर फेस, ठीक है। वैसे तो ये दोनों ही फेस अलग अलग होते हैं लेकिन आपस में जुड़े हुए होते हैं,
ठीक है, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से फेस होते हैं? सिस फेस और ट्रांस फेस, फॉर्मिंग फेस और मैच्योर फेस। ठीक है, वो कॉन्वेक्स की तरह होता है सिस फेस, और जो दूसरा होता है ट्रांस फेस, वो कॉनकेव की तरह हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब प्रिंसिपल फंक्शन, क्या फंक्शन है इसका? मेन फंक्शन है पैकेजिंग मटेरियल एंड डिलीवरी। काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में, इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है पैकेजिंग एंड डिलीवरी। क्या होता है बच्चों? यहाँ पर हमें दिया हुआ है मटेरियल टू बी पैक्ड, जो मटेरियल पैक होना होता है ना, वो क्या होता है हमारे, मान लीजिए एक सिस्टरनी, हम यहाँ पर बना लेते हैं एक सिस्टरनी, इसको ऐसे ही बना दिया है हमने। तो क्या होता है, जो मटेरियल पैक होना होता है, ये हमारा, हम इसको सिस फेस मान लेते हैं और ये हमारा ट्रांस फेस मान लेते हैं। तो क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल जो भी पैक्ड होना होता है वो वेसिकल्स के रूप में, यानी कि इसके अंदर आ जाता है, वेसिकल्स के रूप में आकर के सिस फेस से फ्यूज हो जाता है। ठीक है, सिस फेस से फ्यूज हो जाता है, सिस फेस से फ्यूज होने के बाद वो मटेरियल अंदर चला जाता है सिस्टरनी के अंदर, ठीक है, गोल्जी बॉडीज के अंदर, और उसके बाद वहां से पैक होकर के वेसिकल्स के रूप में ही कहां निकल जाता है, ट्रांस फेस से निकल जाता है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मेन फंक्शन याद रखिएगा, जो भी मटेरियल पैक होना होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स के रूप में सिस फेस पर आकर के फ्यूज हो जाता है, यानी कि सिस की तरफ आकर के फ्यूज हो जाता है और ट्रांस फेस से बाहर निकल जाता है पैक्ड होकर के, जहां पर भी उसने जाना होता है, चाहे वो सेल के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट हो या सेल से बाहर उसकी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है बच्चों। आगे बात करते हैं, ए नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस सिस्टरनी ऑफ द गोल्जी एपरेटस बिफोर दे रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांस फेस। ठीक है, ये बात हमने आपको बताई, यहाँ पर मॉडिफिकेशन हो जाती है, पैकेजिंग हो जाती है। गोल्जी एपरेटस इज इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा जाता है, जैसे कि हमने आपको बताया हुआ है, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन टू लाइन पढ़िए। ठीक है, किसी भी लाइन में से क्वेश्चन बन सकता है, आपने क्वेश्चन खुद बनाना है अपने माइंड में कि एग्जामिनर इस लाइन में से क्या क्वेश्चन बना सकता है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप बिल्कुल ही इजी रहेगा आपको नीट एग्जाम, कोई भी क्वेश्चन आपकी पहुंच से दूर नहीं होगा बच्चों। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमें पता है प्रोटीन और लिपिड सिंथेसाइज करता है, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसाइज करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसाइज करता है, जब ये वेसिकल्स के रूप में कहां पर आते हैं, गोल्जी बॉडीज के पास आते हैं, क्योंकि इनको डिलीवरी करवानी होती है ना, जहां पर भी सेल को रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पर डिलीवरी होने से पहले उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो जाती है, ग्लाइको ग्रुप यानी कि शुगर ऐड कर दी जाती है, कोई भी मॉडिफिकेशन जिस रूप में भी जहां पर भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो गोल्जी बॉडीज के अंदर वो मॉडिफिकेशन हो जाती है, ग्लाइकोसिलेशन बोलते हैं इस चीज को, याद रखिएगा, ग्लाइकोसिलेशन मतलब शुगर ग्रुप ऐड करना, जो भी प्रोटीन आया उसके अंदर शुगर ग्रुप बना ऐड करके उसको ग्लाइको प्रोटीन बना दिया गया, और जो भी लिपिड आया उसको ग्लाइको लिपिड बना दिया गया शुगर ग्रुप ऐड करके। ठीक है, ये चीज आज हम यहीं तक करेंगे, दो ऑर्गेनेल हमने पढ़े हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहिए आप उसको। ठीक है, ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मेन मेन पॉइंट हमने आपको सारे यहाँ पर बताए हैं, उसको अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको परेशानी ना हो। ठीक है, सबको समझ में आ गया है, फिर भी कोई डाउट हो तो कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अपडेट्स के लिए आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं,
ठीक है, प्ले स्टोर पर हमारी ऐप है सर्वोची क्लासेस के नाम से, उसे भी डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आई है तो यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ना है, कंफ्यूज्ड नहीं होना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है एंड अपना ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच।